का नाम इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। एक बार फिर ये मांग उठी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान हमने आपको सुनवाया। बीजेपी सांसद हरनाथ यादव इसकी मांग उठा रहे हैं। क्या कुछ इस मामले को लेकर सियासत चल रही है, बीजेपी इस मामले को लेकर क्या कर रही है जो सरकार के अंदर है, सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। आपको अच्छे से याद होगा संसद के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल खुद योगी आदित्यनाथ जब संसद में थे उन्होंने भी रखा था, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका है। सरकार खुद कह चुकी है कि इस मामले के अंदर बदलाव की कोई जरूरत नहीं। तो अब ये अचानक से हरनाथ यादव ने ये मामला उठाया है, ये एक सोची समझी प्रक्रिया है या ये केवल उनकी एक इंडिपेंडेंट मांग? हम एक बार फिर कोशिश करेंगे सहयोगी रविंद्र कुमार से जुड़ने का। जी रविंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अपन बिल्कुल, आप देखिए कि हरनाथ यादव ने आज कहा है, लेकिन नरेश बंसल जो उत्तराखंड से बीजेपी के सांसद हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी इसी मानसून सेशन में ये कही है सदन के अंदर में कि इंडिया शब्द को हटाया जाना चाहिए, भारत नाम होना चाहिए। तो बीजेपी के दो सांसद और आरएसएस प्रमुख ने भी इंडिया हटाने की मांग की है। और आप देखिए, जाहिर सी बात है, भारत पुरातन और सनातन नाम रहा है। जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए उन्होंने हिंद या हिंदुस्तान नाम दिया, और जब अंग्रेज आए तो उसको इंडिया नाम दिया। जाहिर सी बात है, अपने अपने ढंग से उन्होंने इसका नाम बदलते गया। लेकिन सबसे विडंबना है कि जब हमारा संविधान बन रहा था, प्रीम्बुल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, और जब अनुच्छेद 1 के 1-1 पार्ट में आप देखिए, पार्ट 1 के उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसके दो दो नाम है, तीन तीन नाम है, यानी संविधान के अनुसार इंडिया और भारत, ऐसे हिंदुस्तान भी लोग कहते हैं, जो भी नाम होता है, लेकिन दो संविधान के अनुसार नाम। लेकिन रविंद्र, आपको ध्यान होगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पीआईएल की शक्ल में गया था, और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में ऐसा कोई नया तथ्य सामने नहीं आया है जिसके आधार पर अब नाम में बदलाव किया जाए। तो क्या केंद्र सरकार के रुख में कोई नया बदलाव आया है जिसके बाद ये मांग एक नए सिरे से उठ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंच प्राण दिया था 15 अगस्त को, जिसमें था गुलामी की मानसिकता और उसके जितने भी चिन्ह है उससे मुक्ति मिलनी चाहिए भारत को। इंडिया भी गुलाम की मानसिकता कहीं माना जाता है, द्योतक है, उसका प्रतीक है। भारत हमारी परंपरा है, हमारी सनातन और पुरातन नाम है। ऐसे में जो मांगे उठ रही है वो बीजेपी के सांसद ही नहीं बल्कि देश की भी भावना है। ऐसे में जाहिर सी बात है, संविधान बनता है देश के लोग के लिए, और देश के अधिसंख्यक लोग अगर चाहते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की रविंद्र, लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल है मेरा कि इसकी जो टाइमिंग है वो भी बड़ी रोचक हो जाती है। संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया है, 5 दिन का ये सत्र है, तो क्या माना जाए कि इसके अंदर भी ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण हो रही है? प्रणय, इसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होगी। अगर संविधान संशोधन करना पड़ेगा और अनुच्छेद 1-1 के इंसर्ट करना पड़ेगा कि इंडिया शब्द को डिलीट किया जाता है। आपको याद होगा कि 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने किया था 1976 में, और उन्होंने प्रीम्बल में उसी प्रस्तावना में जिसको कहा जाता है कि मूल भावना है संविधान का, उसको 1976 में आजादी के सालों बाद उन्होंने एक शब्द जोड़ा था, सेकुलर शब्द जोड़ा था, जो मूल संविधान में वर्ड नहीं था। यानी प्रस्तावना में अगर आप कोई शब्द जोड़ सकते हैं तो संविधान में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता है संविधान संशोधन द्वारा। और जाहिर सी बात है, अगर देश के अधिसंख्यक, बहुसंख्यक नहीं बल्कि अधिसंख्यक लोगों की अगर यही मांग है, भावना है, तो सरकार को उस पर विचार करना पड़ सकता है। और ये विचार हो सकता है कि आपको देखने को मिल सकता है 18 से 22 तारीख को जो विशेष सत्र हो रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रविंद्र आपका, आप नजर बनाए रखें। तो जाहिर तौर पर ये मांग ऐसे समय में सामने आ रही है जबकि संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है, देश का नाम इंडिया की जगह भारत करने की बात हो रही है। Z News.